फ्रेंड्स देखिए आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये 4 से 5 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो आपने मटेरियल दिखाया आप उससे ड्रेस भी बना के दिखाएं ताकि हमें भी आइडिया हो सके कि हम उससे किस तरह की ड्रेसेस बना सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह की, आजकल ये ड्रेस बहुत ही ट्रेंड में है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, तो मैं आपको ये बना के दिखा रही हूँ। आप भी अपने गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। आप छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो ये छोटे में बन जाएगी, बड़े में बनाना चाहते हैं तो बड़े में बन जाएगी। ये मैंने सारा प्रोसेस आपको वीडियो में बताया है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपके कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी में हम देखिए इस तरह की ये चोली भी बनाना सीखेंगे। ये देखिए डिफरेंट टाइप की चोली है और ये भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से बनेगी। तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं और आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी कि आप इस मटेरियल को किस तरह से यूज करें। तो चलिए देखते हैं कि इस ड्रेस को किस तरह से बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनीशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स आज हम ये वाली ड्रेस बनाना सीखेंगे और ये ड्रेस देखिए बहुत ही इजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो आप इसे किसी भी साइज में बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और ये वाले पैच रिसेंटली मैंने अभी मंगवाए हैं आप लोगों की डिमांड पे ही कि आप हमें ये पैच प्रोवाइड करें, क्योंकि आप लोग वीडियो डालते हो पर हमें मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है और आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो ये मटेरियल आपके पास है इसके ड्रेस के हमें डिजाइन भी बताइए कि हम इस मटेरियल को किस तरह से यूज करें। तो ये देखिए मैं, ये आजकल ड्रेस बहुत ही लेटेस्ट है और बहुत ही ट्रेंड में है, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस आपको बना के दिखाई है। आप जन्माष्टमी पे अपने गोपाल जी के लिए इस तरह से जो भी मैं ये पैच वगैरह दिखा रही हूँ इस तरह के ड्रेसेस आप बना सकते हैं। और भी आगे अगर आप कहेंगे तो मैं जो भी पैच मंगवाती हूँ उसको यूज करती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इन पैच का यूज करके ड्रेसेस बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो ये ड्रेस मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है तो मैंने ये बनाई है। आप भी अपने गोपाल जी के लिए इस जन्माष्टमी पे बना सकते हैं। ये बिल्कुल हैवी ड्रेस है तो ये जन्माष्टमी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसमें हमने मोरपंख की बूटी का यूज किया और ये स्टोन वाली बूटी का यूज किया है। तो आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें बेसिकली जो बेस बनाने के लिए जरूरत होती है वही चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने वेलवेट के कपड़े का यूज किया है। अगर आपके पास वेलवेट का कपड़ा नहीं है तो इसकी जगह से आप जैसे हम नेट के फैब्रिक से घेरा बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जो घेरा बनाने में मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। बाकी के जो ये पैच आपको दिख रहे हैं ये तो आपको चाहिए ही होंगे। और टिश्यू रिबन, डोरी, बस इसी चीजों से हमने इसे बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ये सर्कल मैंने कट किया है। ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से किया है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है। आज हम 4 और 5 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे, तो घेरा आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैंने आज ये डायमीटर 9 इंच का डायमीटर लिया है। ये देखिए यहाँ से ये 9 इंच का डायमीटर है, लेकिन आप इसे 10 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। क्योंकि कई लोगों को घेरा बड़ा पसंद होता है और कई लोगों को छोटा घेरा पसंद होता है। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ, तो यहाँ पर 9 इंच का मैंने ये डायमीटर रखा है। अब आप सबसे पहले 9 बाय 9 का एक स्क्वायर पीस कट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम उसे इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब देखिए ये वाली इसकी ओपन साइड है, इसे हम इस तरह से रखेंगे और जो ये कॉर्नर है इस कॉर्नर पर हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और जितना आपको घेरा चाहिए। अब देखिए मैंने ये 9 का है तो 9 का आधा 4.5, तो हम इस तरह से घुमाते हुए 4.5 के ऊपर इस तरह से, ये देखिए चारों तरफ से हम इस तरह से निशान निकालेंगे यहां से लेके यहां तक और फिर उनको मिला देंगे और उन्हें कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका देखिए यहां से ये जो होगी आपकी गोलाई ये 4.5 इंच की होगी हर तरफ से यहां से लेके यहां तक। तो इस तरह से आपका ये 9 इंच का घेरा हो गया। अगर आप 10 का बनाना चाहते हैं तो 10 बाय 10 का लीजिए आप एक कागज और उसके बाद फिर आप 5 से, ये देखिए 5 इंच, 10 का आधा 5, तो 5 से लेते हुए करेंगे तो ये आपका 10 इंच का घेरा बन जाएगा। तो इस तरह से आप कितना बड़ा भी घेरा बड़ा या छोटा बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सर्कल ये 9 इंच का कट करके रखा है और देखिए ये मैंने बुकरम का पीस कट किया है। इसी घेरे को ये देखिए जो हमने कट किया था इसको मैंने बुकरम के ऊपर रखा और इसे कट कर लिया। और ये बुकरम पेस्टिंग वाली थी, अगर आपके पास पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप स्टिच भी कर सकते हैं। और यहां पर मैंने एक साइड पर ये देखिए जो अस्तर का फैब्रिक होता है लाइनिंग जिससे हम स्टिचिंग में काम करते हैं जिससे, वो वाला फैब्रिक है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो तो वो ले सकते हैं, लेकिन ये कॉटन का होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है इसलिए मैंने ये लिया है। और मैंने प्रेस से इसको चिपका लिया और चारों तरफ से कट कर दिया है। अगर आपके पास इस तरह का पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है तो आप प्लेन भी ले सकते हैं और चारों तरफ से यहां सिलाई कर सकते हैं। अब ये देखिए एक तरफ से हमारा ये रेडी हो गया। अब हमारा यहां से है तो यहां से हम ये वाला
फैब्रिक नहीं लगाएंगे यहां, मैं वेलवेट का फैब्रिक यूज करूंगी। ये देखिए मेरे पास ये ब्लू कलर का वेलवेट का फैब्रिक है। अब मैं इसे इसके ऊपर रखूंगी और इस तरह से रख के और इसको मैं चारों तरफ से मार्क करके और इसे कट कर लूंगी सेम इसी साइज का। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये सर्कल कट कर लिया है। अब एक साइड से हमारा यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लगा है अस्तर का, और ये जो इस साइड है, इस साइड हम इसे लगाएंगे जो हमारा वेलवेट का फैब्रिक है। अब इस तरह से इसे लगाने के बाद यहां से हम, या तो आप इसे पिन कर लीजिए किसी चीज से ताकि इधर उधर ना हो, और यहां से हम स्टिच करेंगे। हम एक सिलाई चारों तरफ से इसे लगा लेंगे ताकि हमारे ये दोनों फैब्रिक और बीच में जो ये बुकरम है और दोनों साइड फैब्रिक है, ये अच्छी तरह से स्टिच हो जाए। तो मैं चारों तरफ से एक सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चारों तरफ से इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करने के बाद अब हम इसे लॉक करेंगे। तो ये मेरे पास सिल्वर कलर का ये देखिए रिबन है, टिश्यू रिबन। अगर आपके पास गोल्डन है तो आप गोल्डन भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम इसके कॉर्नर्स को लॉक करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इससे लॉक कर रही हूँ। अगर आप इससे लॉक नहीं करना चाहते, आपके पास कोई लेस है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं इससे इस तरह से चारों तरफ से, ये देखिए हम दोनों साइड से फोल्ड करके इसे चारों तरफ से मैं लगा लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये चारों तरफ से इस गोटे को लगा लिया है। अब हम यहाँ बीच में से चोली के लिए कट करेंगे। ये कमर का अब हम यहाँ पर कट निशान लगाएंगे। तो इस तरह से एक बार फोल्ड किया और फिर इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब जितने अपने को जितने आपके गोपाल जी की कमर है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं हाफ इंच, ये देखिए हमारा 1 2 3 4, ये देखिए 4 पॉइंट होते हैं, लेकिन ये जो 5 वाला पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, जो ये 5 पॉइंट है यहां से मैं निशान लगाऊंगी। ये देखिए एक को मैंने यहां रखा और ये 5 पॉइंट वाला है, इसे मैं इस तरह से इंच टेप को रखते हुए जहां पे ये 5 है हमारे, ये देखिए इस तरह से हमने ये लाइन है इनको गिनना है। तो 5 वाली लाइन है, मैं यहां तक इस तरह से स्किन मार्क कर लूंगी। और जैसे हमने बेस के लिए कट किया था सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। तो इसे हम यहाँ सर्कल, ये देखिए हाफ सर्कल बन गया, इसे मैं यहां से कट कर दूंगी। ये इस तरह से हमारी कमर हो गई। ये देखिए इस तरह से कट के, इस तरह से कट करके आप देख सकते हैं, और फिर आप इस तरह से रख के देख सकते हैं। अगर आपको छोटा लगे तो आप कट कर सकते हैं। देखिए अभी मुझे छोटा लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसे बड़ा कट कर लूंगी। और आपके पास अगर अपने गोपाल जी के लिए बना रहे हो तो आप मेजर भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप इस तरह से काटेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये देखिए अब हमारा ये सर्कल सही है। अब मैं यहाँ पे देखिए इसे एक तरफ से कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक सिलाई इस तरह से लेके और इसके चारों तरफ से लगा लेंगे। तो इस तरह से फिर हमारा ये जो फैब्रिक है, ये हमारा वेलवेट वाला, ये अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ यहाँ से स्टार्ट करते हुए और यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा ली है चारों तरफ से। अब देखिए ये वाला मेरे पास इस तरह का, ये देखिए वो अभी मैंने लगाया था, वो इतना चौड़ा है और ये कम चौड़ा है। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं ये कम चौड़े वाला लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं इसे दोनों साइड से इस तरह करके लॉक कर लूंगी दोनों साइड से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों साइड से लॉक कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेफा लगाएंगे, तो मैं उसके लिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये वेलवेट का ही फैब्रिक लिया है। अब मैं इस तरह से हमारा, ये देखिए सीधा फैब्रिक होता है, लेकिन मैं इसे तिरछा कट करूंगी। यहाँ पर मैं 2.5 इंच की पट्टी को तिरछा कट कर लूंगी जो हम यहाँ से नेफे के लिए लगाएंगे। तो इसे हम उरेब की पट्टी कहते हैं, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए देखिए दिखा रही हूँ। ये हमारा सीधा फैब्रिक है, लेकिन हम इसे सीधा कट नहीं करेंगे, हम इसे तिरछा कट करेंगे। और इसी तरह से मैं यहाँ पर 2.5 इंच की पट्टी कट कर लूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से मैंने ये उरेब की पट्टी है, देखिए इससे हम खींचेंगे तो ये इस तरह से स्ट्रेचेबल होती है। तो इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम रॉन्ग साइड से इस तरह से लगाएंगे, और ये भी हम देखिए इसकी रॉन्ग साइड लेंगे। इस तरह से हम एक बार इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और रॉन्ग साइड से इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और इसके चारों तरफ से मैं इसे स्टिच कर लूंगी। ये देखिए ये भी हमारी रॉन्ग साइड है और ये भी रॉन्ग साइड है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह से गोलाई में इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे राइट साइड इस तरह से लेंगे और ये देखिए ये भी हमारी राइट साइड हो गई, और जो ये फैब्रिक था इसकी भी ये वाली राइट साइड हो गई। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे
और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी ये देखिए, जो हमने स्टिचिंग कर रखी है ये स्टिचिंग दिखनी नहीं चाहिए, इसके ऊपर इस तरह से सिलाई आनी चाहिए। और इसके अंदर हम डोरी डालेंगे, ये मैंने इस तरह की डोरी ली है सिल्वर, आपके पास गोल्डन हो या और भी दूसरी तरह की डोरी आती है वो है तो वो भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसके अंदर इस तरह से डालूंगी और इसे इस सिलाई के ऊपर से रख के और यहाँ से एक स्टिचिंग लगा लूंगी। तो ये देखिए इस तरह से, लेकिन डोरी पे हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये फिर इस तरह से खींचेगी नहीं। तो साइड से किनारे किनारे से मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये नेफा लगा लिया है और डोरी भी लग गई है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये स्टिच कर दिया ताकि जब हम ये बाहर से पैच लगाएंगे तो ये इजीली लग जाए। अब देखिए मैंने आपको ये पैच दिखाए थे इस तरह के, और ये देखिए ये मोरपंख की बूटी है और ये चांद बूटी है। अब इससे हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए बाहर की तरफ से हम इसे लगाएंगे, मैं इसे ग्लू गन से चिपका लूंगी। ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग किसी तरह से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से डेकोरेट करूंगी, ये चारों तरफ से मैं इन्हें लगा लूंगी और जो इन दोनों के बीच में है उसमें मैं ये वाली कैरी जो हमारी ये चांद बूटी है ये मैंने ऐसे लगाई और ये मोर वाली मैं इस तरह से लगाऊंगी। तो इसी तरह से मैं इसे चारों तरफ से लगा लेती हूँ, मैं इसे ग्लू गन से पेस्ट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ग्लू गन से इन्हें पेस्ट कर लिया है और हॉट ग्लू थी, हॉट ग्लू से ही मैंने इन सबको, इन बूटियों को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। अब देखिए मेरे पास ये वाले स्टोन आप देख सकते हैं इस तरह से। अब जो हमारे पास ये स्पेस है इस बूटी के बीच में, ये देखिए यहाँ पर मैं इन्हें भी इस तरह से पेस्ट कर लूंगी। तो ये भी मैं हॉट ग्लू से पेस्ट कर लूंगी फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ड्रेस का फाइनल लुक है और ये छोटे वाली बूटी भी मैंने यहाँ पे चारों तरफ से लगा दी है। तो ये देखिए कितनी हैवी सी ड्रेस बन गई और आसानी से हमने इसे बना लिया। तो इस तरह से आप भी आइडिया लेके इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चोली के लिए मैंने फैब्रिक कट किया है, 2.5 इंच मैंने चौड़ा फैब्रिक कट किया है और 5 इंच ये लंबा है। तो इस तरह से मैंने दो कट कर लिए हैं, एक ये वेलवेट का और एक हमारा जो ये लाइनिंग का फैब्रिक है। अब यहाँ पर देखिए इसे हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए आप, और जो ये हमारी फोल्डेड साइड है, देखिए ये ओपन साइड है, फोल्डेड साइड है, यहां से हम थोड़ा सा कट लगाएंगे। ये हमारे गोपाल जी के गले के लिए कट होगा, तो इस तरह से हम छोटा सा कट इस तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर ये हमारी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो अब देखिए ये एक साइड से हम इस तरह से हाफ करेंगे और बीच में से इसे कट कर लेंगे। ये एक साइड हमारी ओपन होगी, ये देखिए इसे मैं यहाँ से बीच में से कट कर दूंगी। ये देखिए, तो ये एक साइड हमारी बंद है और एक साइड हमारी ये खुली है। अब हमारी ये राइट साइड है तो हम इसे अंदर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग साइड इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो हमारा यहां से कट किया था यहां से स्टिच करेंगे हम चारों तरफ से और यहां तक स्टिच करके ले आएंगे। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चारों तरफ से सिलाई कर ली है। अब बीच में से हम इसे अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से कट करेंगे और जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर दिया हमने। अब जहां पर ये जोड़ है, ये देखिए कॉर्नर है, इसे हम हल्का हल्का कट करेंगे, यहाँ कट का निशान लगा देंगे तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए, अब इसे हम इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने पलट लिया है। अब यहाँ पर हम जो हमारी फोल्डेड साइड है यहां से हमारा खुला नहीं है, ये हम फ्रंट में रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे और यहां से हम थोड़ा सा तिरछा कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इससे हमारी इसकी चोली की लुक और भी डिफरेंट आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये वाला हिस्सा इस तरह से फोल्ड किया और यहां से थोड़ा सा तिरछा कट लगा दिया तो हमारी ये कट लग गया यहाँ पे। तो इससे चोली की शेप और भी अच्छी आ जाएगी। अब यहीं से हम फ्रंट से ही ये देखिए इसे फोल्ड करेंगे और यहां पर एक हम डार्ट यानी कि इस तरह से यहां पर हम एक चुन्नट डालेंगे, हल्की सी डालनी है ताकि जो हमारी फिटिंग आएगी वो और भी अच्छी आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने इस तरह से एक छोटी सी डार्ट लगा दी है ताकि हमारी चोली की फिटिंग बिल्कुल ही
अच्छी तरह से आई। ये देखिए अब इसकी शेप भी अच्छी हो गई और फिटिंग भी बढ़िया आएगी। अब यहाँ पर ये टिश्यू रिबन है तो जो इसके कॉर्नर है ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसे इक्वल करके मैं कट कर दूंगी और यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड से मैं टिश्यू रिबन से ये चारों तरफ से मैं इसे लॉक कर लूंगी। तो ये मैं लॉक कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे चारों तरफ से स्टिच कर लिया और ये टिश्यू रिबन मैंने बैक से देखिए इस तरह से लिया था और दोनों साइड से इस तरह से थोड़ा थोड़ा यहाँ से स्टिच कर दिया। अब इस तरह से हम इसे इस तरह से बांध सकते हैं ये देखिए और पीछे से हम इसे इस तरह से बांध लेंगे। तो ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई और यहाँ पर मैंने इसको सिंपल रखा है क्योंकि हम ये जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं। हम जन्माष्टमी पे अपने गोपाल जी का हैवी श्रृंगार करते हैं तो उसमें हम ज्वेलरी पहनाएंगे तो वो सारा ढक जाएगा, तो वैसे भी यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो इसी तरह से कोई भी डेकोरेटिव आइटम हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये चोली कम्प्लीट हो गई है और इसी तरह से हमारी ये ड्रेस भी कम्प्लीट हो गई है। ये देखिए कितनी हैवी ड्रेस है और कितनी आसानी से हमने इसे बना लिया। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उसे जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।